सभी को मनोज सुराजी का नमस्कार। देखिए, आज जैसे टाइटल आपने देखा, टाइटल में हमने बात की है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स खबर क्या है, क्योंकि हर कोई खबर जानना चाहता है, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है, हर कोई ये समझना चाहता है कि कब खबर मिलेगी, क्योंकि खबरें लगातार आ रही हैं। खबरें छन छन के आती हैं, खबरें इधर से आती हैं, खबरें इधर से आती हैं, खबरें ऊपर से आती हैं, खबरें नीचे से आती हैं, खबरें प्रिंट मीडिया से आती हैं, खबरें राष्ट्रीय मीडिया से आती हैं, और खबरें नेताओं से आती हैं, और खबरें यूट्यूबर से आती है, लेकिन खबर क्या है ये, इससे कोई खबरदार होता ही नहीं। असल खबर मिलती ही नहीं, और खबर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि खबर से आप खबरदार होते हैं। तो आज जो बात होगी तो खबर के ऊपर ही होगी कि खबर क्या है। बहुत लोग खबर देते हैं कि पेंशन बढ़ने वाली है, तो उन खबरों में क्या सच्चाई है। बहुत लोग खबर देते हैं कि भाई इस तारीख को पेंशन मिल जाएगी, उस खबर में क्या सच्चाई है, क्योंकि ये पूरी खबर का जो जाल है आज इसी के इर्द गिर्द वीडियो होगी। और खबर कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और क्यों मिलेगी, इन विषयों पर भी बात होगी, और खबर कौन बनाता है, इन विषयों पर भी बात होगी, क्योंकि खबर बहुत जरूरी है। हर कोई खबर जानना चाहता है, देश के करोड़ों करोड़ लोग जानना चाहते हैं कि भाई खबर है क्या। और खबर है, खबर एक ऐसी प्रेमिका हो गई है जो हाथ ही नहीं आ रही है। खबर एक ऐसी, कहते हैं, एक ऐसी चीज हो गई है जो धोखा ही दे रही है। तो ये खबर क्यों धोखा दे रही है, खबर इतनी क्यों आपके साथ विश्वासघात कर रही है, और ये खबर का चक्कर क्या है, और क्यों खबर आप मांगते हैं, लगातार खबर मांगते हैं, और जब तक खबर ना हो आपको पसंद ही नहीं आता क्या वीडियो। हर कोई मुझे वीडियो फोन करता है जब कहता है मनोज भाई खबर बता दो, जो कोई भी मेरे से मिलता है वो खबर की बात करता है। तो आज मैं आपको खबर का चरित्र बताऊंगा, और खबर को कैसे पहचाने ये बताऊंगा, खबर बनती कैसे है ये बताऊंगा, और खबर कब आएगी ये बताऊंगा, और खबर के इर्द गिर्द ये सारी वीडियो होगी। इसलिए खबरदार हो जाए, जागरूक हो जाए, सजग हो जाए, और तैयार हो जाए। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि भाई मनोज यार वो खबर तो मिली नहीं, तो असली खबर, वो वाली खबर, तुम्हारी वाली खबर नहीं मिलेगी जो तुम सोचते हो। रियलिटी क्या है, जो खबर क्या है, वो मैं बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो बड़ा क्रिटिकल है और आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके लिए अगर आपने देख लिया, समझ लिया और खबर को पहचान गए, तो आप भी खबरदार हो जाओगे। तो मेरी उम्मीद है कि आप भी खबरदार हो जाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। जंतर मंतर की पावन भूमि में खड़ा होकर आज मैं बड़े जोर शोर से कह रहा हूं कि ईपीएस 95 की जो लड़ाई है वो नए दौर में पहुंच चुकी है। हमने एक बात कही, हमने एक आप लोगों से सहयोग मांगा कि भाई प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजो, चेतावनी पत्र, और उसके अंदर साफ साफ सीधा सीधा लिख दो कि फलां तारीख तक अगर आपने पेंशन नहीं दी तो हम आपको नैतिक रूप से अपना प्रधानमंत्री मानने से इनकार करते हैं, और आपकी सरकार को नैतिक रूप से अपनी सरकार मानने से इनकार करते हैं। कानूनी रूप से तो रहेंगे ही रहेंगे वो, क्योंकि उनको वही जो सिस्टमेटिक तरीका है उससे आप नहीं कर सकते, उसको सिस्टमेटिक तरीके से ही हटाया जा सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने वो पत्र मुझसे मांगा और मैंने उनको दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों से मैं और आप लोगों से और उम्मीद करता हूँ कि देखिए आपने पत्र भेज दिया। बहुत सारे लोग मुझे भेज रहे हैं कि मैंने पत्र भेज दिया है प्रधानमंत्री को, अपना लिख के, डिटेल लिख के अपना असहयोग जता दिया है, प्रधानमंत्री को भेज दिया है। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जो आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा नंबर नोट करो और उस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय लिख दो, हेलो लिख दो, राम राम लिख दो, अस्सलाम वालेकुम लिख दो, सत श्री अकाल लिख दो, कुछ भी लिख दो जिससे आपकी तरफ से मुझे कोई संदेश आए, और बदले में मैं आपको वो पत्र भेज दूंगा। और आपको वो पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजना है, एड्रेस उसमें मेंशन होगा, एड्रेस मैं भेज दूंगा। तो आपको ये काम जरूर करना है, क्योंकि ये काम करने के बताऊंगा ये काम क्यों जरूरी है, इस विषय पे भी बात करेंगे। लेकिन मोटी मोटी बात है, हजारों लोगों के पास वो पत्र पहुंच चुका है, लेकिन अभी हमें लाखों करोड़ों तक वो पत्र पहुंचाना है। अभी आपकी जिम्मेवारी है, एक 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 आदमी, 50-50 आदमी को, 20-20 आदमी को, जितना उसकी क्षमता हो,
मोटिवेट करें और पत्र भेजने के लिए प्रेरित करें। ये पत्र आप व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हो, दूसरे लोगों को ग्रुप्स में डाल सकते हो, अपने नेताओं को बोल सकते हो कि इस पत्र के ऊपर भी वीडियो बनाएं, और अपने लोगों को बोल सकते हो कि इस पत्र की चर्चा करें, क्योंकि खबर बहुत ज़रूरी है और खबर आपको मैं दूंगा। ये चलिए ये काम तो आपने समझ लिया। अब बहुत सारी खबरों की पड़ताल करते हैं, एक एक खबर लेते हैं। कुछ लोगों ने एक खबर उड़ा दी है कि भाई पत्र है ना, ये पत्र जो मैंने जारी किया था, ये पत्र कि ये पत्र अब नहीं भेजे जा रहे हैं, इनमें रुकावट हो गई है और ये नहीं भेजना है, ऐसी खबरें मार्केट में प्लांट की गई हैं और इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं कह दूं ये सब फेक खबर है, ये सब झूठी खबरें हैं। पत्र जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, और मैं व्हाट्सएप पे लगातार सबको भेज रहा हूँ। आप जब भी मुझे लिख रहे हो कुछ, मैं पत्र आपको भेज रहा हूँ, तो ये पत्र वाला प्लान कैंसिल नहीं हुआ है। पहली खबर तो ये है। दूसरी खबर ये है कि क्या अब क्योंकि हमने पत्र का शुरू कर दिया है, मैं खबर को बश कर रहा हूँ या खबर को सही खबर आपको सही खबर दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर जो झूठी खबरें उड़ रही हैं इस दरमियान मैं उसको डाइल्यूट कर रहा हूँ और उनको हटा रहा हूँ, क्योंकि जो हमसे जुड़ी हुई खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरी खबर ये है कि नोटा वाली अब बात है वो धूमिल पड़ चुकी है कि अब क्योंकि हम पत्र भेज रहे हैं इसलिए नोटा वाला ऑप्शन नहीं दबाना है, ऐसा कुछ लोग र्यूमर फैला रहे हैं। तो फिर से कह दूं कि महाराष्ट्र में आपको नोटा दबाना है, झारखंड में नोटा दबाया गया एक चरण में, दूसरे चरण में फिर नोटा दबाना है। तो नोटा पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि नोटा कहते ना एक थाली में अगर एक सब्जी है और एक रोटी है, तो नोटा वो सब्जी है और ये पत्र वो रोटी है, दोनों की ही जरूरत है, और बताऊंगा कैसे दोनों की जरूरत है। तो ये दोनों खबरें आप देख लो, और नंबर मेरा नोट कर लो 8375009595। कॉल मत करना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप बहुत जरूरी है, तो आप व्हाट्सएप कर दो इस पे और इसी पे मैं आपको पत्र भेजूंगा। तो दोबारा से बोल रहा हूँ 8375009595। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन हो गई, खबर क्या है जैसा कि टाइटल है, तो सबसे पहले जानते हैं कि खबर बनाता कौन है। देखिए खबर नेता बनाते हैं, खबर आपका जो पावर में होता है वो बनाता है, जो शक्तिशाली होता है वो खबर बनाता है। तो इस समय सरकार शक्तिशाली आपको लगती होगी कि सरकार खबर बनाती है, इसीलिए सब लोग ये पूछते हैं कि ईपीएफओ की मीटिंग में क्या हुआ, उस मीटिंग में क्या हुआ, अब ये हमारे नेता भी खबर बनाते हैं, नेता उससे मिल लिए तो क्या हुआ, इस तरह की खबरें जानना चाहते हैं। तो असल में क्या है कि ये जो खबरें बन रही हैं ये सरकार की तरफ से बनेंगी, ईपीएफओ की तरफ से बनेंगी, या फिर यूट्यूबर्स या बड़ी मीडिया है वो झूठी खबरें बना रहा है। यहाँ तक कि झूठी खबरें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं होता, कोई फैक्ट नहीं होता, सूत्रों के जरिए वो खबरें दे देते हैं और एक दूसरे का कोट करके खबर दे देते हैं। वो अखबारों की खबर पे बना देगा और वो उसकी दूसरी खबर पे खबर बना देगा, लेकिन खबर आती नहीं है। अभी मैं बड़े बड़े चैनलों की बात करूं तो वो भी खबर दिखा रहे हैं कि भाई ये पेंशन पे सरकार बढ़ाने के लिए सोच रही है, सरकार ने ये पेंशन की ये मुश्किल है, सरकार ये करेगी वो करेगी, लेकिन कहीं से कुछ हो नहीं रहा है। मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, कोई खबर नहीं है सरकार की तरफ से। अभी बताऊंगा खबर तो है लेकिन सरकार की तरफ से कोई खबर नहीं। आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं आपको, कोई बड़े से बड़ा आज तक से लेके बड़े से बड़ा अखबार अगर आपको खबर दे रहा है इस समय, तो वो आपको सीधा भ्रमित कर रहा है। इस समय सरकार की तरफ से कोई भी खबर नहीं है, जो भी खबरें हैं वो र्यूमर्स हैं, क्योंकि पेंशन का कोई भी अभी तक सरकार की मंशा नहीं है कि वो दे दे, तो सरकार की तरफ से आपको खबर नहीं मिलेगी। अच्छा, मैंने यही कहा कि भाई खबर कौन बनाता है, खबर तो ताकतवर लोग बनाते हैं, तो सरकार खबर नहीं बना रही है तो खबर अब कौन बनाएगा? खबर इस देश की जनता को बनानी पड़ेगी, हमें और आपको खबर बनानी पड़ेगी, और खबर का कारण हम बने, वो हमें जज्बा पैदा करना होगा, वो हमें जज्बात पैदा करना पड़ेगा। हम सिर्फ खबर सुनने वाले बन रहे हैं, हम खबर बनाने वाले कब बनेंगे? यूट्यूबर्स हैं वो तो खबर बना रहे हैं, झूठी ही खबर बना रहे हैं कि अब पेंशन मिलने वाली है, अब ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, तो वो यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ।
और वो आप देख रहे हो, तो आप जो है ग्राही बन रहे हो खबर के, आप खबर के उत्पादक नहीं बन रहे हो। और खबर का मैं चाहता हूं कि आपके पास, आप किसी दूसरे की खबर कानों से ना सुनो, आपके एक्शन से जो खबर निकले वो खबर पूरे देश सुने। तो वो जो खबर बनेगी वो कैसे बनेगी, उस विषय पे बात करेंगे। देखिए, अब मैंने यही बता दिया कि सारी खबरें जो मिथ्या हैं, 23 तारीख की मीटिंग ये वो मिथ्या हैं। सबसे बड़ी खबर क्या आ सकती है? सबसे बड़ी खबर ये आ सकती है कि नोटा अगर महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरह से छा गया तो पूरी देश में खबर बन जाएगी। लेकिन ये खबर बनेगी कैसे? जब आप वोट करोगे, और वोट किस पे करोगे? नोटा पे करोगे। तो ये खबर आप, आपके हाथ में है कि आप इसे बनाते हो या नहीं बनाते हो। ये ना सरकार के हाथ में, ना ये मीडिया के हाथ में, ना ये यूट्यूबर के हाथ में, ना ईपीएफओ के हाथ में, ये किसी के हाथ में नहीं है। ये खबर बनाने की जिम्मेवारी आपकी है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जैसे हरियाणा में खबर बनाई, बड़े छोटे लेवल पर ही बनाई, लेकिन कुछ सारी सीटों को आपने उलट पुलट कर दिया, महाराष्ट्र में इतनी ताकत से खबर बना दोगे कि खबर चलने लगेगी कि ईपीएस 95 पेंशनर ने नोटा को वोट करके सरकारों का खेल बिगाड़ दिया। एक छोटा सा आदमी खड़ा होकर खबर बना देता है, एक छोटे सी गांव खबर बना देता है, वो बहिष्कार कर देता है चुनाव का, तो उसकी खबर बन जाती है। तुम्हारी, तुम तो करोड़ों करोड़ों तुम वोट दोगे तो तुम्हारी खबर क्यों नहीं बनेगी? अवश्य बनेगी। पहले तो खबर कब बनेगी? जब आप नोटा को वोट करेंगे तो खबर आएगी, और खबर का कारण आप होंगे क्योंकि आपने बनाई है खबर। सरकार से जब तक उम्मीद करोगे, ईपीएफओ से जब तक उम्मीद करोगे, खबर नहीं मिलेगी। जिस दिन आप खुद एक्शन करके खबर बना दोगे, उस दिन खबर अवश्य मिलेगी। तो पहली खबर तो आपको मिलेगी नोटा के जरिए। तो ये गांठ बांध लो, ये अपने अपने दिलो दिमाग में पूरी तरह से उतार लो कि नोटा को पूरी ढंग से, पूरी ताकत से, पूरे सपोर्ट से आपको आगे बढ़ाना है महाराष्ट्र चुनाव में, और खबर बनाना है। जैसे हरियाणा चुनाव में खबर बनी कि 33 वोटों से 35 वोटों से कोई हार रहा है, कोई जीत रहा है, और नोटा को मिले उससे ज्यादा वोट। कश्मीर में भी खबर बनी थी कि नोटा को कहीं कहीं जाके बड़ी बड़ी पार्टियों से भी ज्यादा वोट मिल गए। तो ये खबर ये नोटा को वोट मिले, ये खबर बने, और ये मिले कि पेंशनर ने नोटा को वोट दिए। क्योंकि आप दोगे नोटा अगर एकदम बढ़ेगा तो ये खबर बननी ही बननी है कि नोटा की वजह से। और ये सीधा सीधा इस सिस्टम को मैसेज जाएगा कि लोग नाखुश हैं उनसे, और ये लोग अभी तो नाखुश हैं, लेकिन अगर ये किसी उम्मीदवार को वोट कर देंगे तो उसको उसकी जिंदगी बन जाएगी। ये कांग्रेस को वोट कर देंगे तो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, ये बीजेपी को वोट कर देंगे तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी। लेकिन पहले वोट की ताकत तो दिखाओ। कांग्रेस भी क्यों नहीं पूछ रही मालूम है आपको, मुफ्त में वोट क्यों चाह रही है? क्योंकि कांग्रेस को लगता ही नहीं कि पेंशन के मुद्दे पर कोई वोट भी करता है। अगर आपने पेंशन के मुद्दे पर नोटा को वोट किया तो कल को राहुल गांधी खड़े होकर कहेंगे, मालूम है क्या कहेंगे? अरे ये लाखों करोड़ों लोग पेंशन के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, इनको अपने पाले में करो, इनका मुद्दा ऐड करो। थोड़े से लड़के खड़े होके यूपी में खबर बना देते हैं और सरकार को फैसला वापस करना पड़ता है। आप तो करोड़ों करोड़ों, तो खबर आप ही बना। कहते हैं ना कि गली में छोरा और गांव में ढिंढोरा, या कहते हैं चिराग तले अंधेरा। आप खबरें कहाँ ढूंढ रहे हो? खबर तो आपके हाथ में है, खबर तो आपके एक्शन में है, खबर तो आपके आपके तरीके से बनेगी, खबर आप ही बनाओगे। और आप पता नहीं क्या चिराग तले अंधेरे वाली बात है कि आप वो खबर बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। ये जो पत्र हैं, ये पत्र भी खबर बना सकते हैं। अगर ये पत्र करोड़ों में लाखों में चले जाए ना, तो प्रधानमंत्री की भी कुर्सी हिल जाएगी कि इतने करोड़ लोगों ने, पूरी दुनिया की इंटरनेशनल न्यूज बन जाएगी ये कि 1 करोड़ लोगों ने अविश्वास दिखा दिया पीएम में। नैतिक रूप से इतना दबाव हो जाएगा, क्या पता गद्दी छोड़ दें, या तो काम कर देंगे या गद्दी छोड़ देंगे। और बना सकते हो, एक पत्र ही तो लिखना है। कहते ना एक चींटी के, आपका चींटी का भी प्रयास है, एक वोट दबाना है, एक पत्र लिखना है, ये दो काम करने और सबको करने हैं सम्मिलित होके। लेकिन हम सब कर देंगे ना ये काम एक साथ मिलकर, तो खबर भी बन जाएगी, काम भी हो जाएगा। तो हम सबको मनाना है, सबको बताना है, सबको मनाना है, सब तक बात पहुंचानी है। अब आपका काम क्या है? आपने कहा मैंने तो कर दिया मनोज भाई, मेरा तो काम है। तो कुछ लोग तो फटाफट कर देते हैं जो कहते हैं मैंने कर दिया, लेकिन आपने खुद कर दिया, आपने कितने और लोगों को जिम्मेवारी की? मेरी तरफ से मुझे लगता है मैंने हजारों लोगों को फॉर्म भेजा, आपने कितने लोगों को भेजा? 25 तारीख करीब आती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का चेतावनी पत्र प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए, जिससे खबर बन जाए।
खबर के लिए कहते हैं ना, सब्जी बनानी है तो कढ़ाई चढ़ानी पड़ेगी, आग जलानी पड़ेगी, मसाला छौंकना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे, तभी तो फजली सब्जी बनेगी और तभी आप खा पाओगे। इसी तरह खबर है, खबर के पीछे अगर एक्शन नहीं होगा, खबर के पीछे आपका कोई प्रदर्शन नहीं होगा। आंदोलन से भी खबर बनती है, जब आंदोलन आप करते हैं छोटा मोटा उससे भी खबर बनती है, लेकिन मैं तो उससे भी बड़ी बात कह रहा हूँ, खबर बनाओ आप लोग। और खबर बनाने के लिए आपको आज ये प्रण करना है कि आप इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी करोगे, पत्र भेजकर भागीदारी करोगे, दूसरे लोगों से पत्र भिजवाकर भागीदारी करोगे, नोटा दबाकर भागीदारी करोगे और नोटा के लिए लोगों को मना कर भागीदारी करोगे, तब खबर बनेगी। और खबर बनेगी तो ऐसी, अच्छा खबर कच्ची पक्की नहीं बननी चाहिए, आधे मन से कोई खड़ा नहीं होता, आधे मन से आपने कर दिया और फिर दूसरा मन में आपके वही कांग्रेस बीजेपी है, फिर नहीं बनेगी खबर। खबर बनाओ, खबर बनाओ मेरे दोस्तों, खबर बनाओ। यूट्यूबर्स के भरोसे, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मेरे भरोसे मत रहो कि मैं कोई खबर दूंगा, किसी दूसरे यूट्यूबर के भरोसे मत रहो कि वो कोई खबर देगा। अरे खबर आपकी पैरों तले, आपकी आपकी पैरों तले दबी हुई है, उसे निकालो, उसे उठाओ और उसे बनाओ। और आज आपको ये प्रण करना है और ये कमेंट में लिखना है कि हम खबर बनाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्लीज आप खबर दो हमें, आप खबर दो। और क्या दोगे आप, क्या बनाओगे खबर आप? है जिम, है दम आपके अंदर खबर बनाने का? है जज्बा आपके अंदर खबर बनाने का? या फिर सुनते ही रहोगे, कभी मनोज की सुन लोगे? मनोज तो देता नहीं खैर झूठी खबर, मनोज तो शुरू से ही। किसी और यूट्यूबर की सुन लोगे, 40,000-50,000 लोग सुन लेते हैं। अगर आप 50,000 लोग, 1,00,000 लोग, 2,00,000 लोग उन यूट्यूबर्स की खबरें सुन रहे हैं, 4-4, 5-5 लाख लोग यूट्यूबर्स की खबरें सुन रहे हैं, तो 5,00,000 लोग एक पत्र नहीं लिख सकते क्या? अगर ये सुनने की जगह ये करने लग जाएंगे ना, सुनते 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 थकते नहीं हो क्या? कितने घंटे दिए, जितने घंटे, जितने टाइम आपने इन खबरों को सुनने में अपना वक्त जाया किया, उसका एक मिनट भी अगर आप ये खबर बनाने में लगा दोगे ना, जितना मैंने कहा पूरी जिंदगी आपने 1,000 वीडियो सुनी होगी और उसमें से सब खबर नकली थी। आज ये मैं जो आपको खबर दे रहा हूँ कि खबर क्या है, मैं ये खबर दे रहा हूँ, आपको खबरदार कर रहा हूँ कि आज आप सब मिलकर एक साथ पत्र भेज दो और नोटा दबा दो, ये काम कर दो बस। मैं गारंटी कहता हूं कि अगर आपने सबने ये काम कर दिया तो खबर क्या बनेगी, खबर आप ही तय कर दोगे और आपको आपकी पेंशन के हक से लेने से कोई माई का लाल रोक नहीं पाए। कुछ नहीं करना, किसी नेता की शरण में नहीं जाना, कोई आंदोलन नहीं करना, कोई रेल नहीं रोकनी, सिर्फ और सिर्फ दो काम कर दो। और लेकिन करना सबको है, पूरी ताकत से अपने अपने परिवार को, अपने साथियों को नोटा दबाने के लिए प्रेरित कर दो। महाराष्ट्र में इतना बड़ा फिगर होना चाहिए, इतना बड़ा फिगर होना चाहिए कि कांप जाए सरकार है कि यार ये इतने सारे लोग अगर कहीं भी चले गए, जिसके साथ चले गए, आपके पीछे पीछे घूमे सरकार, जैसे कहते ना कुछ सरकारें सवर्णों के पीछे घूम रही हैं, कुछ सरकारें दलितों के पीछे घूम रही हैं, कुछ सरकारें मुस्लिमों के वोट लेने के लिए घूम रही हैं, कुछ सरकारें हिंदुओं का वोट लेने के लिए घूम रही हैं, कुछ सरकारें और सिखों का वोट लेने के लिए घूम रही हैं, पेंशनर का वोट लेने के लिए घूमे और आपको आपका हक और अधिकार थाली में सजा कर लाए कि ले लो। और खबर क्या, खबर नहीं एक्शन आए, समझ रहे हो आप मेरी बात? थोड़ा सा तो एक्शन दिखाओ। कब तक सुनते रहोगे, मुझे भी कब तक सुनते रहोगे? मुझे भी, मैं देखता हूँ कि लाखों लोग सुन लेते हैं, कभी कभी तो 3-3 लाख, 4-4 लाख लोगों ने सुना है एक एक वीडियो पे, 2.5-2.5, 3-3 लाख लोगों ने सुना है, लेकिन उनमें से कितने लोगों ने जो मैंने कहा उसका 1% भी किया? अगर इतने ही लोग कर दें, मैं कह रहा हूँ 3 लाख लोग ही ये कर देना जो मैं कह रहा हूँ कि अपने परिवार, अपने सबको मोटिवेट करके और पत्री भेज दें, तब भी खबर बन जाएगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्या लिखना है किसी से लिखवा लो, और पत्र तो हमने लिखा हुआ, आपको नाम ही तो भरना है, आपको नाम भरना है, आपको बस भरना है और पोस्ट करना है। 10 रुपए का खर्चा आपको करना जरूरी है, 10-20 रुपए का खर्चा होगा, इतना तो बनता है, इतना तो डेटा में भी रिचार्ज कराते होगे। तो सुनने की जगह करने के लिए तैयार हो जाओ। और पेंशनर्स, खबर ये है, खबर क्या है, खबर ये है कि खबर आपके जूतों के तले दबी हुई है, खबर आपकी मुट्ठी में है,
खबर आपकी उंगली में है, खबर आपको बटन दबाओगे उसमें, और खबर आपकी कलम में है। आप खबर बनाओगे, सरकार है फिर उसको प्रेषित करेगी और आप वो घूम के आपको खबर सुनने को भी मिलेगी। तो खबर बनाना सीखो, खबर सुनने को जरूर मिलेगी। और मैं ही सुनाऊंगा सबसे पहले मैं ही सुनाऊंगा खबर पेंशन की। जो भी सुना रहे हैं वो झूठी खबर सुना रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा चैनल हो, कितना भी बड़ा मीडिया हो, कहीं से नहीं मिलेगी खबर। खबर मनोज सुराजी देगा, और मुझे लगता है कि वो हक और अधिकार आप मुझे दोगे कि एक दिन मैं इसी मंच पर आऊं, मिनी संसद पर, सीना ठोक कर बोलूं कि हाँ हमने पेंशन का काम करा लिया। उस दिन मेरी जीत होगी और आप सबकी जीत होगी। मुझे जिताओगे ना, खबर बनाओगे ना, खबर बनाओगे तो लिख दो हम खबर बनाएंगे। सबको लिखना है कमेंट में आज, हम खबर बनाएंगे, हम खबर बनाएंगे। लिख दो, भर दो पूरा कमेंट से। और ये लिखना, अगर आपने कमेंट में भी लिख दिया तो लेटर भी लिखना है आपको और नोटा भी दबाना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर आऊंगा नए वीडियो के साथ। आपको इसी तरह से प्रेरित करता रहूंगा, आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाता रहूंगा, आपके अंदर जज्बा जगाता रहूंगा कि आप सिर्फ एक सुनने वाले कमजोर निरीह प्राणी ना बने, कुछ करने लायक बने। और मुझे लगता है कि हर प्राणी में असीम संभावनाएं होती हैं। आप बुजुर्ग जरूर हैं, लेकिन आप में भी असीम संभावनाएं हैं इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की, इस देश के लोकतंत्र को बदलने की, इस व्यवस्था को बदलने की, इस लूट तंत्र को बदलने की, और अपना हक और अधिकार लेने की। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।